ओके तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है दो दिग्गज स्मार्टफोन। जी हां, एक है Vivo T3 5G स्मार्टफोन जो कि कुछ ही दिन पहले इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है, और ये भी न्यूली स्मार्टफोन है लेकिन Vivo T3 5G से पहले लॉन्च हुआ है और इसका नाम है Realme 12 Plus स्मार्टफोन। जी हां, और दोनों स्मार्टफोन का आज की वीडियो में करने वाले फुल टू कंपैरिजन, दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा फोन आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। जी हां, और ये कंपैरिजन वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए आ रही है क्योंकि इन दोनों स्मार्टफोन की कुछ टेस्टिंग रह गई थी, आइडल ड्रेन हीटिंग टेस्ट, इनको करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, और ओवरऑल सब कुछ हमने कंपेयर कर लिया है दोनों स्मार्टफोन में कौन सा फोन आपको बेस्ट देखने को मिलता है, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसीलिए मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। तो करते हैं इस फटाफट से इस कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का बॉक्स का कलर तो अलग है ही, लेकिन दोनों स्मार्टफोन में बॉक्स के अंदर स्मार्टफोन के अलावा जो चार्जर देखने को मिलता है ना, Realme 12 Plus में आपको देखने मिलता है 67 वोल्ट का चार्जर और यहाँ पे Vivo T3 5G में आपको देखने मिलता है 44 वोल्ट का चार्जर। अभी कितना टाइम लगा था वीडियो के अंदर आगे बताता हूँ। और टाइप सी की डाटा केबल आपको दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये कुछ आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के। लेकिन हम बात करें दोनों स्मार्टफोन की डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी की, दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन को आप साइड बाय साइड देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन अच्छे लगते हैं देखने के अंदर। अपनी अपनी चॉइस हो सकती है आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे Realme 12 Plus का डिजाइन थोड़ा सा अच्छा लगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे बैक में आपको प्योर वीगन लेदर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, और जो कैमरा लेआउट है इसको टिल्ट करोगे तो अलग सा यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा रेडियल टाइप में, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने के अंदर। और Vivo T3 के बैक में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिल जाती है, काफी अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन हाँ यहाँ पे आप टेक्सचर देखोगे फील नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत टिल्ट करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायमंड टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप में इसका देखने को मिल जाता है। देख लेना आपको किसका डिजाइन पसंद आ रहा है। और दोनों फोनों के जो साइडों के फ्रेम है दोनों फोन में आपको प्लास्टिक के देखने को मिल जाते हैं, बस Realme 12 Plus में आपको ग्लोसी टाइप में देखने को मिलते हैं, इसका मेट टाइप में आपको देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोनों को आप हाथ में पकड़ोते हो तो इन हैंड फील थोड़ा सा आपको Vivo T3 5G का अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़े से इसके एजेस राउंड है, इसके बिल्कुल आपको शार्प देखने को मिलते हैं Realme 12 Plus के। जी हां, वैसे दोनों ही फोनों को बैक कवर में यूज करोगे दोनों ही फोन का इन हैंड फील बढ़िया बन जाएगा। Vivo T3 का इन हैंड फील वैसे भी सही है लेकिन बैक कवर के साथ और भी सही बन जाएगा। साथ में दोनों स्मार्टफोन का वेट भी काफी लाइट वेट देखने को मिल जाता है। Realme 12 Plus का वेट यहां पे 190 ग्राम का देखने को मिलता है और Vivo T3 का वेट यहां पे 188 ग्राम का देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन की जो थिकनेस वो भी ज्यादा नहीं देखने को मिलती, Realme 12 Plus का थिकनेस यहां पे 7.87 mm की देखने को मिलती है और Vivo T3 की यहां पे 7.95 mm की देखने को मिल जाती है, तो यहां पे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और दोनों स्मार्टफोन में चार्जिंग के लिए आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है और कॉलिंग के लिए बॉटम साइड में माइक देखने को मिल जाता है और टॉप साइड में नॉइस कैंसिलिंग का माइक भी दोनों ही फोनों के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में दोनों स्मार्टफोन में जो सिम स्लॉट है हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, दो सिम यूज कर सकते हो, अगर एसडी कार्ड यूज करना है तो वन सिम वन एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, Realme 12 Plus 5G में 3.5 का ऑडियो जैक देखने को मिलता है जो कि Vivo T3 5G में आपको नहीं देखने को मिलता है, इसके लिए आपको अलग से कन्वर्टर बाय करना पड़ेगा अगर वायर वाले ईयरफोन यूज करने हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे दोनों ही फोनों के अंदर मैंने TWS नेकबैंड यूज करके देखे, काफी अच्छी यहाँ पे ईयरफोन अंदर साउंड क्वालिटी निकाल के दे देते हैं और कॉल क्वालिटी भी दोनों ही फोनों की अच्छी देखने को मिल जाती है, क्लियर सुनाई देती है आवाज। और दोनों ही फोनों में साउंड के लिए आपको डुअल सोनो स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ Vivo T3 5G के अंदर यहाँ पे टॉप साइड में जो स्पीकर है वो ईयर पीस के रूप में यूज किया गया है और जो इसके अंदर जो टॉप साइड के अंदर जो स्पीकर है वो अलग से यहाँ पे स्पीकर यूज किया गया है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एडवांटेज है। लेकिन साउंड क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन से बेटर किसकी देखने को मिलती है, बेस किसका तगड़ा देखने को मिलता है, अभी आपको टेस्ट आउट कराता हूँ। और हम सॉन्ग प्ले करने वाले हैं यो हनी सिंह का जो न्यू सॉन्ग आया है, क्योंकि यो हनी सिंह के सॉन्ग हम काफी समय से सुनते आए हैं, मैं तो सुनता आया हूँ, तो वही प्ले करते हैं। सबसे पहले बारी Realme 12 Plus। अब बारी यहाँ पे Vivo T3 5G की। तो दोनों ही फोनों के अंदर सॉन्ग को सुनने के बाद मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि दोनों ही फोनों की जो साउंड क्वालिटी है लाउड है, बट Vivo T3 की थोड़ी सी ज्यादा लाउड है। हालांकि इसमें जो स्पीकर है ईयरपीस के रूप में यूज किया गया है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा लाउड है प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखो तो। बट हाँ, Vivo T3 5G के अंदर आप ऐसे करके सुनोगे तो जो टॉप साइड वाला स्पीकर है वहां से थोड़ी सी आपको वॉल्यूम कम मिलेगी नीचे वाले स्पीकर के हिसाब से। जी हाँ, क्योंकि इसमें ईयरपीस के रूप में यूज किया गया ना, इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है टॉप साइड से सुन लो चाहे यहाँ पे बॉटम साइड से सुन लो, दोनों स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है एक बराबर आपको देखने को मिलेगी, कोई आपको फर्क नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ, दोनों ही फोनों के अंदर साउंड के लिए अलग अलग फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन का फीचर देखने को मिल जाता है, उसको ऑन करके
है, जो भी सॉन्ग की जो वर्डिक होती है उसको थोड़ा बहुत और क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर और रियलिटी नाम का एक फीचर देखने को मिलता है, वहां पे काफी सारे इफेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ईयरफोन यूज करोगे तब आपको पता लगेगा। और दोनों ही स्मार्टफोन की हैप्टिक की बात करूं, जैसे आप टाइप करोगे तो दोनों ही फोनों के अंदर वाइब्रेशन वाली आपको हैप्टिक देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, वीवो T3 5G के अंदर टच वाइब्रेशन टच साउंड को ऑन करोगे सेटिंग में जाके, तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप को ओपन करते हो क्लोज करते हो तो वहां पे एक टक टक वाली फील मिल जाएगी, इसमें आपको वाइब्रेशन वाली ही मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले एक्सपीरियंस की। अब कई लोग बोलेंगे दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज सेम है या तो क्या ही डिफरेंस होगा। अभी सब कुछ डिफरेंस गिनाता हूँ, सब कुछ मैंने टेस्ट किया, फिर आप एक ही बात बोलोगे हम तो शुभम की वीडियो देख के आए थे, बाकी कमेंट बॉक्स में मेरी बेइज्जती कर दो वो बात तो एक अलग है। तो दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज तो सेम देखने को मिलता है, 6.67 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दोनों ही फोनों के अंदर देखने को मिल जाती है। और दोनों ही फोनों के अंदर YouTube कंटेंट वॉचिंग की बात करो तो दोनों ही फोनों के अंदर आप 4K HDR के अंदर कंटेंट वॉच कर सकते हो। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ट किया तो जैसे ही आप Realme 12 Plus 5G के अंदर YouTube पे HDR कंटेंट वॉच करते हो तो डिस्प्ले वॉर्म पड़ जाती है, येलो पड़ जाती है, Vivo T3 की नहीं पड़ती, सिर्फ HDR कंटेंट वॉच करते हो जब ही पड़ती है, इसको अपडेट से फिक्स करने की जरूरत है जी। और दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले को आप फ्रंट साइड से देखोगे तो सिमिलर से ही बेजल देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही स्मार्टफोन के बॉटम साइड में ज्यादा बेजल देखने को मिलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आपको पता है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, लेकिन Vivo T3 5G के अंदर एक एडवांटेज है कि किसी भी ऐप पे आप फोर्सफुली 120Hz वर्क करवाना चाहते हो, जिस पे वर्क नहीं करती उस पे आप वर्क करवा सकते हो, जो कि Realme 12 Plus 5G में ये फीचर नहीं देखने मिलता, लेकिन अपडेट के थ्रू बाद में आएगा, लेकिन अभी के लिए आपको नहीं देखने मिलता। जिस वजह से मैंने साइड बाय साइड एप्लीकेशन टेस्ट की तो किसी किसी एप्लीकेशन में 60Hz या 90Hz स्विच हो जाता है, लेकिन ये स्विच नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो आप सेटिंग में जाके किसी भी एप्लीकेशन पे आप अनेबल कर सकते हो। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने मिल जाता है, और मैंने चेक किया दोनों ही फास्ट है, जैसे ही आप टच करोगे इंस्टेंटली अनलॉक हो जाएगा। बस Realme 12 Plus 5G के अंदर यहाँ पे हार्ट रेट मेजर कर सकते हो इन डिस्प्ले से, अब एक्यूरेट तो नहीं होता लेकिन एक आइडिया ले सकते हो। ये फीचर आपको Realme 12 Plus 5G में देखने को मिल जाता है। और साथ में दोनों स्मार्टफोन में डिस्प्ले और कलर बूस्ट करने का फीचर दोनों ही फोनों में देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही फोनों के अंदर कोई भी मूवी वेब सीरीज आप वॉच करोगे, मैंने वॉच करके देखा 19-20 का फर्क देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, कलर दोनों ही एक्यूरेट आपको देखने को मिल जाते हैं, डिटेल ले लो शार्पनेस ले लो काफी अच्छे आपको देखने मिल जाएंगे। मल्टीमीडिया को लेकर दोनों ही फोनों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और साथ में दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन को आप सनलाइट में यूज करोगे तो हाथ रखने की जरूरत नहीं है, दोनों ही फोनों की डिस्प्ले काफी ब्राइट देखने मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट देखने मिलती है Realme 12 Plus की डिस्प्ले, क्योंकि इस स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले पीक ब्राइटनेस है 2000 nits की देखने मिलती है, और Vivo T3 के यहाँ पे 1800 nits की आपको पीक ब्राइटनेस देखने मिल जाती है जी हाँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है Realme 12 Plus 5G की डिस्प्ले, लेकिन इससे डिस्प्ले से भी ज्यादा ब्राइट आपको और क्या चीज देखने मिलती है यार, लाइक वाला बटन, अभी तक आप वीडियो देख रहे हो ये बहुत ज्यादा ब्राइट है यार, इसको प्रेस कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके की वीडियो देखने के लिए जी हाँ, तो कर देना भाइयों वाली बात। और दोनों ही फोनों के अंदर आपको वाइडमैन एलिमेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम फुल HD में स्ट्रीम कर सकते हो दोनों ही फोनों के अंदर, बट हाँ Vivo T3 में HDR कंटेंट भी आप वॉच कर सकते हो नेटफ्लिक्स अमेज़न प्राइम के अंदर, जो कि Realme 12 Plus में आप नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, जिसके लिए आप रुके हो। तो यहाँ पे Vivo T3 में आपको देखने मिलता है MediaTek का 7200 वाला प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस है, लेकिन Realme 12 Plus 5G में आपको देखने मिलता है MediaTek 7050 वाला प्रोसेसर, जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस है। और दोनों ही फोनों का मैंने अंतुतु स्कोर चेक किया तो यहां पे 7,21,000 के आसपास अंतुतु स्कोर Vivo T3 में निकल के आया, और Realme 12 Plus में 5,92,000 के आसपास अंतुतु स्कोर निकल के आया। और दोनों ही फोन का सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर भी चेक किया तो यहां पे भी Vivo T3 का थोड़ा सा ज्यादा निकल के आया, लेकिन हमने दोनों ही फोनों का प्रैक्टिकल टेस्ट परफॉर्म करके देखा, क्योंकि स्कोर पे ज्यादा विश्वास नहीं करने का जी हां। तो सबसे पहले स्पीड टेस्ट किया दोनों ही फोनों का, BGMI को ओपन किया, सबसे पहले Vivo T3 ने ओपन किया, सब सर्वर को भी इसने ओपन किया, कुछ कुछ जो एप्लीकेशन थी ना छोटी मोटी वो यहाँ पे Realme 12 Plus ने सबसे पहले ओपन करके दिया। और दोनों फोन का वीडियो रेंडर करके भी देख लिया मैंने, तो यहाँ पे सबसे पहले Vivo T3 यहाँ पे वीडियो को रेंडर करके दे रहा था, ये थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो Vivo T3 आपको बेटर देखने मिल जाता है, और ये चीज मैंने गेमिंग के अंदर भी नोटिस की जी हाँ। जैसे कि बीच में जैसे गेमिंग की बात करो, दोनों ही फोन ना यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक आपको देखने मिल जाते हैं, और HDR के अंदर अल्ट्रा तक दोनों ही सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही फोन का जो साउंड इफेक्ट है बीच में के अंदर अल्ट्रा तक सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब दोनों ही के अंदर आप गेम प्ले करते हो तो थोड़े से आपको ज्यादा FPS Vivo T3 में मिलेंगे, इसके भी बेटर हैं, लेकिन थोड़े से आपको ज्यादा स्टेबल आपको Vivo T3 गेमिंग करवा सकता है, जो कि आप देख सकते हो। और दोनों ही फोन की स्टोरेज टाइप की बात करूं तो यहां पे Realme 12 Plus बाजी मार जाता है, क्योंकि यहां पे UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप देखने मिलती है, और इसमें UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने मिल जाती है। और स्टोरेज स्पीड स्कोर पर भी आप नजर डाल सकते हो, यहां पे Realme 12 Plus का स्टोरेज स्पीड स्कोर आपको ज्यादा देखने को मिल जाता है जी हां। और वैसे दोनों ही फोनों के अंदर जो रैम टाइप है LPDDR4X का ही देखने मिलता है, यहां पे डिफरेंस नहीं। साथ में दोनों स्मार्टफोन में कोई भी बेसिक टास्क परफॉर्म करते हो, किसी भी ऐप को ओपन करना होगा क्लोज करना होगा, स्मूथ वाला एनिमेशन देखने मिलेगा,
कोई भी लैग एंड जिटर आपको नहीं देखने मिलेगा। और दोनों ही फोनों के अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात करूं तो Vivo T3 के अंदर यहाँ पे मोशन बेस्ड प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने मिलता है। वैसे आप टेबल पर रख के करोगे तो वैसे वर्क नहीं करता, लेकिन हाँ जैसे ही आप मूवमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्क करेगा कॉलिंग के दौरान। और Realme 12 Plus के अंदर हार्डवेयर में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा के दिया गया, मोशन बेस्ड भी करता है और वैसे भी करता है। तो यहाँ पे Realme 12 Plus एक एडवांटेज लेके जाता है। और दोनों ही फोनों की मैं बैटरी की बात करूँ, दोनों ही फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आते हैं और दोनों ही फोन मेरे केस के अंदर एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल के दे देते हैं। लेकिन दोनों स्मार्टफोन की आइडियल बैटरी ड्रेन की बात करूँ, रात के समय अपने फोन को रख के सोते हैं तो कौन सा फोन कितना ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, तो दोनों ही फोनों को मैंने एक साथ रख दिया था सेम टाइम पे और सुबह जाके मैंने चेक किया तो Realme 12 Plus यहाँ पे 3% की बैटरी ड्रेन हुई और यहाँ पर Vivo T3 में 1% की बैटरी ड्रेन हुई। जितने परसेंट पे रखा था उतने परसेंट पे यहाँ पे दिखा रहा था, सुबह मैंने देखा था। तो जी हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर कोई इशू है आइडियल ड्रेन वाला, दोनों ही फोनों के अंदर नहीं है। 3-4% यहाँ पे रात के समय हर कोई फोन करता है, लेकिन इसको मैंने अभी 2-4 दिन से यूज कर रहा हूँ ना, अभी कुछ टाइम और यूज करूंगा तो हो सकता है 2-4% ये भी करने लग जाए, क्योंकि मैंने IQ Z9 टेस्ट किया था ना, वो भी 3-4% कर रहा था। तो हो जाएगा, मतलब ये भी कभी ज्यादा कर सकता है रात के समय, कभी ये भी कर सकता है। और इनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको पता है Realme 12 Plus में 67 वोल्ट का चार्ज देखने मिलता है, इसको चार्ज होने में 45 मिनट से लेके 55 मिनट के अराउंड लगते हैं। Vivo T3 पे 44 वोल्ट का चार्ज देखने मिलता है, इसको चार्ज होने में ऑलमोस्ट 65 मिनट से लेके 70 मिनट के अराउंड लगता है। जी हां, तो चार्जिंग टाइम थोड़ा सा बेटर आपको देखने मिलता है Realme 12 Plus का। और दोनों ही फोन की नेटवर्क वाले डिपार्टमेंट की बात करूं तो दोनों ही फोन 5G है, दोनों ही सिमों के अंदर आप 5G यूज कर सकते हो। और 5G बैंड की बात करूं तो यहां पे 9 5G के बैंड देखने मिलते हैं Realme 12 Plus में और यहां पे आपको 8 बैंड देखने मिलते हैं Vivo T3 के अंदर। अब नेक्स्ट हम इन दोनों स्मार्टफोन की हीटिंग की बात कर लेते हैं। फोन कितना भी महंगा ले लो, कितना भी सस्ता ले लो, अगर हीट हो रहा है तो उसको चलाने में मजा क्या है यार। तो दोनों ही फोनों का मैंने सीपीयू थ्रोटल रिजल्ट किया 30 मिनट तक, तो यहाँ पे Vivo T3 का यहाँ पे 92% मैक्रोमीटर देखने मिला और इसका 82% मैक्रोमीटर देखने मिला। दोनों ही स्मार्टफोन का ग्राफ यहाँ पे ग्रीन था, दोनों ही फोन में ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पे भरोसा नहीं करने का, प्रैक्टिकली भी मैंने टेस्ट करके देखा, क्योंकि अब हम सारे कंपैरिजन वीडियो में प्रैक्टिकल टेस्ट करके भी देखते हैं, क्योंकि काफी लोग हमें सजेशन दे रहे थे। दोनों ही फोनों के अंदर मैंने 1-1 घंटे तक गेमिंग की। Vivo T3 के अंदर मैक्स टेम्परेचर 1 घंटे गेमिंग करने के बाद 43 डिग्री के अराउंड आया और Realme 12 Plus के अंदर 1 घंटे गेमिंग करने के बाद 41 डिग्री के अराउंड आया। तो दोनों ही फोन 45 डिग्री के ऊपर नहीं गया, दोनों ही फोन के अंदर ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम नहीं है। फोन डेफिनेटली सारे ही हीट होते हैं लेकिन ओवरहीट नहीं हो रहे दोनों। वैसे इन दोनों ही स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड 14 देखने मिल जाता है। Vivo T3 में इनको खुद का UI फन टच OS 14 देखने मिलता है और Realme के अंदर Realme UI 5.0 देखने मिल जाता है लेटेस्ट वाला। और दोनों ही फोनों के अंदर कस्टमाइजेशन काफी सारी चीजें देखने मिलती है, कुछ कस्टमाइजेशन इसमें आपको एक्स्ट्रा देखने मिलती है तो कुछ कस्टमाइजेशन इसमें आपको एक्स्ट्रा देखने मिल जाती है। और दोनों ही कंपनी वाले यहाँ पे क्लेम करते हैं 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक यहाँ पे सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट। दोनों ही स्मार्टफोन की कैमरा की बात करूं तो Vivo T3 का जो बैक कैमरा आपका प्राइमरी लेंस देखने मिलता है 50mm का देखने मिलता है, OIS का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है जिससे आप 10x तक जूम कर सकते हो। और जो सेंसर देखने मिलता है Sony IMX882 सेंसर देखने मिल जाता है और जो सेकेंडरी लेंस है वो आपको 2 megapixel का देखने मिल जाता है। और जो थर्ड वाला वो कैमरा नहीं देखने मिलता है, फ्लिकर लेंस देखने मिल जाता है। जब भी कोई फोटो लेते हो फ्लिकर आती है ना कई कई फोटो के अंदर, तो उससे इस चीज को आप फिक्स करते हो, इसलिए थर्ड लेंस दिया गया, वैसे वो कोई मेगापिक्सल उसका नहीं है। और Realme 12 Plus के बैक में यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने मिलता है, बनाया गया यहाँ पे क्वाड कैमरा जैसा, बस है 3 ही कैमरे, वो एक ऐसे ही दिया गया शोकेस के लिए। प्राइमरी लेंस आपको देखने मिलता है 50mm का जिससे आप 20x तक जूम कर सकते हो, OIS का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। जो सेंसर देखने मिलता है वो सोनी लाइटा 600 का सेंसर देखने मिलता है और 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने मिल जाता है और 2 megapixel का थर्ड लेंस देखने मिल जाता है। तो एक लेंस इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल वाला ज्यादा देखने मिलता है Realme 12 Plus के अंदर। और जो फ्रंट कैमरा दोनों ही फोनों के अंदर 16 megapixel का देखने मिल जाता है जिससे आप फुल HD 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और बैक साइड से 4K 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो अप टू दोनों ही फोनों के अंदर। पर कैमरा के पोर्ट्रेट मोड के अंदर दोनों ही फोनों के अंदर 2x का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, काफी अच्छी ब्लर आप फोटो क्लिक कर पाओगे। और हाँ, Vivo T3 के अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया कि सुपर मून मोड का एक ऑप्शन अलग से देखने मिलता है, जो कि मैंने 12 Plus में नहीं देखा, लेकिन Vivo T3 में आपको देखने मिल जाता है। मून की आपको फोटो क्लिक करनी है तो वो उसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब ये रहे इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल, नाइट मोड में लिए गए हैं और देख सकते हैं आप किसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब स्काई के कलर को देखो तो इसने पूरा डीप ब्लैक रखा है जिस हिसाब से दिखाना चाहिए था, इसने यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं इसको वॉश आउट कर दिया, थोड़ा सा व्हाइट शेड दे दिया। बाकी देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ब्राइट इमेज क्लिक कर रहा है Vivo T3। बाकी कलर साइंस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा Realme का पसंद आया नाइट के अंदर, बाकी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी साइड बाय साइड देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं गेट पे जूम करते हैं तो यहाँ पे Realme ने इसको ब्राइट रखा है और यहाँ पे IQ ने यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा रखा है, जो कि जूम करने पता लगता है। बाकी ऑलमोस्ट इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलता। और नेक्स्ट फोटो आप देख सकते हैं दोनों के नाइट मोड काफी अच्छे वर्क करते हैं, बट हाँ 19-20 का आपको फर्क देखने मिलता है, उतना
फर्क नहीं देखने को मिलता है। अभी देखते हैं, मैं दूसरे घर पे एक टैंकी पे जूम करता हूँ और इसके टैंकी पे जूम करता हूँ, तो यहाँ पे वीवो T3 ने इसको थोड़ा ज्यादा ब्राइट रखा है, इसने थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा अंधेरा रखा है। बाकी आप देख सकते हैं कलर साइंस उसका पसंद आएगा, लेकिन ब्राइट इमेज वीवो T3 क्लिक करता है। और फ्रंट कैमरे की बात करूँ लो लाइट के अंदर, तो यहाँ पर रियलमी का थोड़ा सा अच्छा वर्क करता है, ओवर शार्प नहीं करता। इसने फोटो को देखते कुछ अलग ही बना दिया भाई, सॉफ्ट कर दिया, ओवर शार्प कर दिया, लाइटिंग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे वीवो T3। बाकी आप देख सकते हैं साइड बाय साइड आपको पता लग ही रहा है। और ये देखते हैं इसके बैक कैमरा से ली गई ये फोटो है, यहाँ पे भी देखते हैं दोनों ही फोटो के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। रियलमी यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाया, बाकी कभी कभी वो अच्छी फोटो क्लिक करता है तो कभी कभी ये अच्छी क्लिक करता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ही फोटो के अंदर, सिमिलर ये फोटो क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड किसका कैमरा आपको बेटर देखने को मिलता है। मुझे दोनों ही स्मार्टफोन का कैमरा बेस्ट लगा, बाकी आप देख सकते हैं किसका कैमरा आपको बेस्ट लगा। यार कैमरा सैंपल आपने देख लिया, लेकिन दोनों फोन में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए इसका फाइनल कंक्लूजन देने से पहले बता दूं, इस स्मार्टफोन का हो सकता है मैंने कुछ चीज कंपेयर ना की हो, मत से तो मैंने ऑलमोस्ट सभी चीजें कंपेयर करके आपको बताई है। अगर कुछ चीजें नहीं कंपेयर की तो मुझे ट्विटर पर फॉलो कर लो, वहां पर मुझसे पूछ सकते हो, कोई चीज मिस हो सकती है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ट्विटर पर मिलती रहती है, वहां पर फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं अपने मेन कंक्लूजन की, दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको बाय करना चाहिए। तो सिंपल सी आपको बात बताता हूँ और ज्यादा आपको घुमाता नहीं हूँ। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग के लिए आपको फोन चाहिए, गेमिंग आप ज्यादा करते हो और फ्लिकर सेंसर भी आपको देखने मिल जाता है, तो वीवो T3 की तरफ से आप जा सकते हो, सेम प्राइसिंग में मिल जाता है। और रियलमी 12 प्लस के तरफ वो लोग जा सकते हैं जिनको डिजाइन अच्छा चाहिए, ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के देते, चार्जिंग स्पीड आपको बेटर देखने को मिल जाए, तो वो आपको रियलमी 12 प्लस में देखने को मिल जाती है, तो उस केस के अंदर आप रियलमी 12 प्लस के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर परफॉर्मेंस को लेकर देखना चाहते हो तो वीवो T3 की तरफ से जा सकते हो। कि आप समझिए मैंने आपको बता दिया, अपने नीड को अकॉर्डिंग आप चूज कर लो दोनों फोन में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आई होप आज की वीडियो पसंद आए, तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।